जी, रशिया और यूक्रेन के अंदर जो इस समय भीषण युद्ध चल रहा है उसमें जो हमारे भारतीय जो फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनको उनकी मदद पहुँचाने के लिए उनकी जल्द से जल्द सुनिश्चित और सुरक्षित भारत वापसी को लेकर जो है आज हम यहाँ पर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई यहाँ पर एक मूक प्रदर्शन कर रही है। देखिए 20,000 के आसपास वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने समय रहते तो कुछ खास नहीं किया, मगर अब वो जरूर प्रयत्नशील हैं और रोज़ाना जो है यहाँ से फ्लाइट जा रही हैं, उनका जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, मगर वो मात्र उन लोगों को वहाँ पर वापसी करवाई जा रही है जो यूक्रेन की सीमा पर हैं। उन लोगों को अभी भी मदद पहुँचाने के लिए नज़रअंदाज किया जा रहा है जो बंकरों के अंदर फंसे हुए हैं। वहाँ हजारों की तादाद के अंदर हमारे भारतीय बंकर्स में हैं, युद्ध क्षेत्र के अंदर हैं। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि जितने भी हमारे पास भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, अपने राजनीतिक जो कूटनीतिक प्रयास हैं, राजनीतिक प्रयास और ये तमाम प्रयासों को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन और रूस पर जो है युद्ध विराम के अंदर वहाँ पर दबाव बनाया जाए ताकि भारतीय वहाँ से जो है उनकी सुरक्षित वहाँ पर वापसी जो है अपने घर के अंदर संभव हो सके। देखिए हाल ही के अंदर एक भारतीय के वहाँ पर दर्दनाक जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वहाँ भारतीयों के अंदर खौफ का माहौल है और यहाँ उनके माता पिता भी जो है घर आजा मेरे लाल की दुआएं करते हुए यहाँ पर अपने लाड लेके इंतजार के अंदर हैं, जिससे जिन्हें इन समय मदद और आश्वासन और उनका जो है लाल को भारत में वापस लाने की हम अपील करते हैं। देखिए हमारे जहाँ जितने भी भारतवासी वहाँ पे बसे फंसे हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित अपने हिंदुस्तान में वापस आए। हम गवर्नर जी से ये अपील करते हैं कि वो वापस उनको सुरक्षित वहाँ यहाँ पे हिंदुस्तान में उनको वापस लाया जाए। घर के लाल घर का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके घर परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है, वो अपने परिवार में वापस आए और खुशी खुशियाँ उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़े।